एक डेड बॉडी को काट दे और गलती से डेड बॉडी के एक कान का टुकड़ा विंसेंट का डॉग खा लेता है और इसीलिए विंसेंट उसके डॉगी को उस डेड बॉडी का दूसरा कान भी खाने को देता है। अब अगले दिन विंसेंट को पता लगता है कि उनकी शॉप से उस दिन एक भी मीट का टुकड़ा नहीं बिका था और तभी वहाँ पर कॉइन गार्ड आती है जो कि उनसे वही मीट मांगती है जो कि सोफी ने उसे सुबह दिया था क्योंकि उस मीट के टुकड़े का टेस्ट बहुत अच्छा था और असल में वो मीट उस डेड बॉडी का था। विंसेंट कॉइन गार्ड को वो मीट नहीं देना चाहता था लेकिन सोफी के जोर देने पर उसे वो मीट कॉइन गार्ड को देना पड़ता है। उस मीट का टेस्ट सोफी को भी बहुत पसंद आता है और उसके बाद में एक और कस्टमर उनसे उसी ह्यूमन मीट को खरीदने के लिए आता है। यहाँ तक कि एक पुलिस वाला गेंडर में भी वो मीट खरीदने आता है। किसी को भी ये नहीं पता था कि स्वाद के चक्कर में वे लोग कैनिबल यानी कि इंसान का मीट खाने वाले बन गए हैं और तेजी से उनकी शॉप की इनकम भी अब बढ़ने लगी थी। रात को विंसेंट